नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एहसान अली और आप देख रहे हैं YouTube चैनल टेक्निकल ब्रो। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप Redmi Note 5 के मोबाइल के अंदर जो फिंगरप्रिंट, पैटर्न लॉक, फेस लॉक, वो सभी लॉक आप अपने मोबाइल में कैसे लगा सकते हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर चैनल पर नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो मैं यहाँ पर सेटिंग में चला जाता हूँ, ठीक है। सेटिंग में जाने के बाद अब आपको क्या करना है, तो यहाँ पर आपको ज़रा सा नीचे स्क्रॉल कर देना है। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो पासवर्ड एंड सिक्योरिटी, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर देख सकते हो स्क्रीन लॉक के तीन ऑप्शन मिल जाएंगे, पासवर्ड, फिंगरप्रिंट लॉक और फेस लॉक। तो मैं यहाँ पर फिंगरप्रिंट और अभी पैटर्न लॉक बताऊंगा आपको कैसे लगाते हैं, फेस लॉक मैं आपको नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जो फिंगरप्रिंट लॉक है इस पर क्लिक कर देता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद यह आपसे कह रहा है कि आपको सबसे पहले पैटर्न लॉक, पिन लॉक या पासवर्ड, इन तीन में से कोई एक पासवर्ड लगाना होगा। तो मैं यहाँ पर पैटर्न लॉक लगा देता हूँ। पैटर्न लॉक लगाने के लिए आपको यहाँ पर 5 सेकेंड का वेट करना होगा और यहाँ पर गो इट पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं पैटर्न डाल देता हूँ। फिर यहाँ पर आपको कंफर्म डाल देना है और यहाँ पर कंफर्म पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद ये अब आपसे मांग रहा है फिंगर ऐड कीजिए, तो मैं यहाँ पर फिंगर ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। फिंगर ऐड करने के बाद यहाँ पर आपको डन पर क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ पर बैक आ देना है और यहाँ पर देख सकते हो पासवर्ड ऑन हो चुका है, फिंगरप्रिंट अनलॉक ये भी ऑन हो चुका है। अब मैं आपको यहाँ पर लगा कर दिखा देता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर मोबाइल को लॉक करता हूँ, तो हमारा लॉक यहाँ पर लग चुका है। तो इस तरह से आप Redmi Note 5 के अंदर फिंगरप्रिंट और फेस लॉक और पैटर्न लॉक लगा सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं ऐसे ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।